इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं। नंबर लाइन पे दिखाना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमको ये पता चलता है कि वो फ्रैक्शन, वो नंबर कितना छोटा है या फिर किससे बड़ा है, किस किस नंबर के बीच में है, कितना बीच में है, मतलब सब कुछ पता चलेगा। नंबर लाइन पे दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप पहला लेक्चर मेरा देखे हैं तो आप ये जरूर बता देंगे कि 7/9 कौन सा फ्रैक्शन है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ हम आपको ये भी बताए थे कि प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। तो हम जो नंबर लाइन बनाएंगे सिर्फ 0 और 1 बनाएंगे यहाँ पे। पूरा क्यों बनाएंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं ना इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। तो सिंपल यहाँ पे आप 0 लिखिए और यहाँ पे 1 लिखिए। अच्छा, नंबर लाइन के बारे में एक चीज हम आपको और बता दें कि नंबर लाइन के बीच में जैसे 0 और 1 के बीच में जितना गैप दीजिएगा ना, मानिए इसके और इसके बीच में 100 सेंटीमीटर का गैप है, तो फिर 1 और 2 के बीच में भी 100 सेंटीमीटर का ही गैप होगा, फिर 2 और 3 के बीच में भी 100 सेंटीमीटर का गैप रहेगा। तो जितना मतलब गैप जो रहता है वो बराबर रहता है। ऐसा नहीं कि इसमें 100 सेंटीमीटर गैप हो गया फिर 1 2 के बीच में 10 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं। नंबर लाइन बहुत बड़ा कर सकते हैं, बस शर्ते उसके बीच में जो गैप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, समान गैप होना चाहिए, मतलब लेंथ बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए 0, यहाँ पे लिख दिए 1, क्योंकि हम जानते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। तो हमको दिखाना है कि अब बताइए कि इसमें 7/9 कहाँ है। तो देखिए, हम आपको क्या बताए थे, जो नीचे रहता है वो क्या होता है, टोटल होता है। तो इसको क्या करना है, आपको 9 बराबर टुकड़ों में बांट देना है। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपको ये 8 भाग में बांट दिए। नहीं, देखिए इससे आपको मतलब, ये लाइन से मतलब नहीं है, इससे मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 भाग में बट गया। जब 8 हम खींचेंगे तो 2 भाग बट गया ना, तो टोटल क्या होगा, 9 पार्ट्स हम इसका इक्वल कर दिए। अब ऊपर क्या लिखा है, 7, तो जो 7 होगा वही 7/9 होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी ये जो पॉइंट है यही हमारा क्या है, 7/9 है, 7/9 है। यानी ये 1/9, ये 2/9 है, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 या फिर यहाँ पे 9/9, तब तक हो गया। ठीक है, अगला देखिए, ये भी बताइए कौन सा फ्रैक्शन, 9/13 लिखे हैं, ये कौन सा फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसकी भी वैल्यू होगी कहां से होगी, कहां से कहां तक, 0 और 1 के बीच में होगी। तो सिंपल में यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। हम पूरा क्यों नंबर लाइन बनाए, हमको पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। अच्छा, अब नीचे 13 है, तो इसको 13 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना होगा, 13 भागों में बराबर बांटना होगा। तो बांटिए कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 भागों में बांट दिए। उसके बाद जो 9 नंबर पड़ाएगा वही क्या होगा, 9/13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही जो पॉइंट्स हो गए क्या होगा, 9/13। तो ये था प्रॉपर फ्रैक्शन। बस सिंपल, बस आपको यही करना है, जो नीचे जितना भी लिखा हो उसको इक्वली डिवाइड कर देंगे और फिर ऊपर जितना लिखा हो ऊपर काउंट करके फिर उस पॉइंट को मार्क कर देंगे। वही होता है प्रॉपर फ्रैक्शन को दिखाने का तरीका। अब आइए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। आइए अब दूसरा एग्जाम्पल लिए हैं। क्वेश्चन है 9/5, ये बताइए कौन सा फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, विषम भिन्न है। तो हम आपको बताए थे पहला लेक्चर में कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, 1 से बड़ी होती है। तो सिंपल, बस आप ये बताइए कि इसकी वैल्यू किसके किसके बीच में होगी, ये हमको बताना जरूरी है कि नंबर लाइन पे हमको पूरा नंबर नहीं प्लॉट करना पड़ेगा, सिंपल जिसके बीच में होती है उसी को प्लॉट कर देंगे। तो आप सिंपल क्या कीजिए कि डिवाइड कर दीजिए, 5 से 9 में भाग लगा दीजिए। तो 5 एकम 5, 4 इसको पूर्णांक के रूप में लिखेंगे तो 1 पूर्णांक 4/5 होगा। हम आपको बताए थे कि 1 पूर्णांक 4/5 और कुछ नहीं बल्कि 1 जोड़ 4/5 ही होता है। ठीक है, यानी ये संख्या जो है 9/5 1 से 4/5 ज्यादा है, यानी 1 से थोड़ा ज्यादा है। यानी इसकी वैल्यू किसके किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में है। ठीक है, तो 1 तो यहां पर प्लॉट कर दिए। अब +4/4 इसमें +4/5 यानी प्लस इसमें क्या करना है, 4/5, तो ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब कैसे बताते करना, इसको क्या करेंगे, इक्वली 5 भागों में डिवाइड कर देंगे, 1, 2, 3, 4 देखिए 5 भाग हो गया ना, 1, 2, 3, 4, 5 अब जो चौथा नंबर पड़ाएगा वही क्या है, 4/5, तो ये 4/5 है लेकिन 1 प्लस 4/5 है ना, यानी ये क्या हो गया, 9/5।
ठीक है, एक बट्टा पांच, चार बट्टा पांच मत लिख दीजिएगा, क्योंकि चार बट्टा पांच तो जीरो और के बीच में आएगा ना, ये तो एक और दो है ना, तो इसलिए क्या होगा, नौ बट्टा पांच होगा। अच्छा ये पैंसठ बट्टा सात है, तो सबसे पहले आपको सिंपल बस ये बताना है कि इसकी वैल्यू किसके किसके बीच में होगी, तो सात नवा तिरसठ, यानी इसकी वैल्यू नौ और दस के बीच में होगी, यहाँ पे नौ लिख देंगे, यहाँ पे दस लिख देंगे, ठीक है। तो इसको अगर पूर्णांक में तोड़ते हैं तो नौ सात नवा तिरसठ दो पैंसठ बट्टा सात हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल इसको क्या किए, इसका मतलब और कुछ नहीं बल्कि नौ प्लस दो बट्टा सात होगा, ठीक है। तो नौ है तो नौ लिख दिए, अब उसमें प्लस करना है टू बाई सेवन, तो इसको क्या करेंगे फिर, इसको क्या करेंगे कि सात बराबर भाग में फिर बांट देंगे, तो एक दो तीन चार पांच छः, हाथ से इधर उधर हो सकता है लेकिन समझ लीजिए कि इक्वली डिवाइड किया गया है। और फिर जो दूसरा नंबर पर होगा तो दो बट्टा सात मत लिख दीजिएगा, पैंसठ बट्टा सात होगा, यही पॉइंट क्या होगा, पैंसठ बट्टा सात। तो बस सिंपल बस ऐसा ही करते हैं, नंबर लाइन पर प्लॉट कर देते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक करके बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। शो योर लव बाय डूइंग लाइक द वीडियो एंड कमेंट द बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। इफ यू लाइक मोर वीडियोज लाइक दिस देन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।